साल के पहले दिन सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी शहर ताबुक में जमकर बर्फबारी हुई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। ताबुक क्षेत्र के पास अल्लौज पर्वत पर लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। सऊदी की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बर्फ की चादरों से ढकी कारों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसके अलावा वहां के वीडियो में लोग बर्फ का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। जबल अल लावज, अल दाहिर और अलकान पर्वत ढक गए हैं। सऊदी अरब का ये उत्तरी हिस्सा टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। अरबी अखबार अशराक अल अफसाद के अनुसार सऊदी अरब में हर साल जबल अल लावज, जबल अल ताहिर और ताबुक में जबल अलकान पर्वतों पर 2 से 3 हफ्ते तक बर्फ गिरती है। ये पहाड़ सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में है। सऊदी में यहाँ बर्फ गिरने के बाद काफी हलचल होती है। जबल अल लावज पहाड़ 2600 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत को आलमंड माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसके ढलान पर बड़ी संख्या में बादाम के पेड़ लगे हैं। हर साल इस पहाड़ पर बर्फबारी होती है और तापमान धड़ाम से नीचे चला आता है। ताबुक का शुमार सऊदी के सबसे खूबसूरत इलाकों में होता है। यहाँ खुशबूदार पौधे हैं जिनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है। ताबुक जॉर्डन की सीमा से लगा हुआ इलाका है। सऊदी में बर्फबारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ये देखकर हैरान हैं कि आमतौर पर गर्म मौसम वाले देश सऊदी अरब में बर्फबारी हो रही है। अल्लौज पर्वत ताबुक शहर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जॉर्डन की सीमा के पास पड़ता है और यहाँ पाए जाने वाले बादाम के पेड़ के कारण इसे जबल अल्लौज कहा जाता है क्योंकि अरबी भाषा में बादाम को लौज कहते हैं। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने लोगों को लो विजिबिलिटी के कारण सतर्क रहने के लिए आगाह भी किया, साथ ही कहा कि और कुछ दिन भारी बारिश होने की संभावना है। देश के मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार रियाद, मक्का, मदीना, पूर्वी प्रांत अलबहा, असीर, जजान, अलकासिम, तबुक, अलजौफ और ओला के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। سيارت كورة حيط واطي انت من الشباك يا رجل راجو طارق بدا ريوح الغيب يورون ولا دم يحل بالنقا يا بيلة تكسر وسواقا ولو هو